गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सरसाइज 4.3 अभी भी हमारी चल रही है। इसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करा के दिखाया था, ठीक है ना। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में आप लोगों को समझ में आ गया था, अगर नहीं आया था तो पिछली वीडियो जो लेक्चर था उसमें आप देख लेना, उससे रिलेटेड और भी कोई दिक्कत आती है तो आप वो बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ये हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है प्लान नाम से, क्लियर। अब प्लान नाम का हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, और इसमें हमें ये साइड्स हमें दे रखी हैं, और PAN ये भी हमें डिग्रीज दे रखी हैं। तो चलो इन लोगों को देखते हैं अभी हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल प्लान, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है प्लान नाम से। तो PL यहाँ पे हमने ले लिया, PL 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और फिर है हमारा LA, L और A जो है 6 सेंटीमीटर का, ये 6.5 सेंटीमीटर का ये रहा। P जो है 90 डिग्री का है, P 90 डिग्री का है, तो इस तरीके से आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। A जो है 110 डिग्री का है, तो L और A, तो यहाँ पे जो है वो 110 डिग्री का आएगा, जो भी आएगा एल ए। एन जो है वो हमारा 85 डिग्री का है, तो ये अगर पी एल ए ये रहा तो ये जो एन है ये आएगा हमारा यहाँ पे 85 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत दो हैं। पहला, ये एक्स ये हमें नहीं दे रखा, एल की डिग्री नहीं दे रखी, तो यहाँ पे किस डिग्री पे बनाएंगे हम, तो ये समझ नहीं आया, ठीक है ना। और ये लाइन हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये लाइन हमें दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पर ये लाइन और ये लाइन हमें कुछ नहीं दे रखी, तो ये भी पता करना पड़ेगा। ये तो हम किस कहाँ पे काटे, कितना काटे, तो हमें नहीं पता ना, है कि नहीं। अब जैसे 6.5 है तो हम तो इसको इतना ले जा लेंगे, यहाँ तक ले जा लेंगे ए को, पर यहाँ पे दे रखा है 6.5, तो हमने 6.5 यहाँ से एक 6.5 का आर्क यहाँ पे मारेंगे तो यहाँ पे 6.5 आ जाएगा, तो हमें पता जाएगा ये ए है। पर यहाँ से कितना, ये 90 डिग्री है, तो क्या यहाँ तक लेके चले जाएं पूरा, नहीं ना। तो कितना लेके जाना है, कितनी लेंथ है, ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को पहले तो ये डिग्री निकालनी पड़ेगी कि ये इसका जो एल की डिग्री है वो कितनी है। तो ये कैसे पता चलता है, तो हम सबको पता है जो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है चारों साइडों का वो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एंगल हैं, एंगल पी प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन, इन चारों का जितने भी सारे हैं इन सारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल एल हमें दे नहीं रखा तो एक्स मान लेते हैं, एंगल ए हमें दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है, एंगल एन दे रखा है 85 डिग्री, ठीक है। और ये आ गया 360 डिग्री। अब हम इनको प्लस करेंगे तो 90 ये आ गया 200, 285 डिग्री प्लस एक्स यही बना इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स यहाँ है तो 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री, ये 285 यहाँ प्लस में, तो इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 5, 5 में से 8 15 में से 8 7, तो 75 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि 75 डिग्री हमारा जो एंगल एल है, तो ये हमारा कितना आ गया, 75 डिग्री। अब आप क्वेश्चन ये बना सकते हो कंपास और रूलर की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये है 110 डिग्री। ये 110 डिग्री जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो भी 110 डिग्री से ऊपर आते हैं, या 110 डिग्री का भी आता है, या 100 डिग्री से जितने भी ऊपर आते हैं आपके उसमें, है ना, 5 डिग्री, 5 डिग्री से ऊपर जितने आते हैं वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जो डिग्री हैं इनको जो एंगल जो बनाओगे आप, वो आप प्रोटेक्टर की या डी की हेल्प से बना सकते हैं। डी आपको पता है ये इस तरीके का होता है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप बना सकते हो, क्लियर। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, आओ अब इसको हम एक बार बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पी एल बनाया था,
पीएल में हम लोगों ने कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, तो हमें एक स्केल की ज़रूरत है। तो पहले हम लेंगे स्केल, इसको ऊपर कर देते हैं। पीएलए हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लेंगे और पीएल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का बन गया। अब एक्चुअल में क्या है यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे एक ये आ रही है कि जो मेरा कंपास है वो 3 से नीचे नहीं जा रहा। तो ये जितने भी साइड्स के हैं इनको मैं डबल कर रहा हूँ ताकि इसको कट करने में दिक्कत ना आए। तो मैं इसको 8 कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कितना कर रहा हूँ, 8 कर रहा हूँ। आप 4 ही करना है इसको। मैं इसको 8 कर रहा हूँ ताकि जो प्रोटेक्टर से या फिर कंपास से जब मैं लाइन बनाऊँ तो उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैंने इसको ठीक इसका डबल कर दिया है। आपके प्रोटेक्टर या आपका जो डी है और आपका जो कंपास है वो 3 पॉइंट से भी नीचे जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है, लेकिन मेरे उसमें जो है कंपास वो 3 से नीचे नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको डबल ले रहा हूँ। तो ये हमने पी बना दिया, ये हमने एल बना दिया। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। वैसे 8 है, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है, और आप भी इसको 4 सेंटीमीटर ही बनाना। पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये लाइन थोड़ी बड़ी बनाई है, ठीक है। अब हमको ज़रूरत है यहाँ पे किसकी, डी की ज़रूरत है। तो हम पहले डी ले लेंगे यहाँ से और कंपास भी ले लेंगे। अब जो हमारा पी है तो वो जो है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये जितना छोटा हो सकता है इतना छोटा हमने कर दिया। अब ये एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने के लिए हम इसको यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं। अब देखिए मैंने इसलिए लाइन इतनी लंबी करी थी क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इतना बड़ा बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, और आप तो इतना छोटा भी कर सकते हो, ये छोटा नहीं हो पा रहा है इसलिए मैंने ये बड़ा किया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे, जितना था उतने से ही एक कट यहाँ पे और एक कट यहाँ पे। तो ये हमारे 60 60 पे आ चुका है। अब हमें कितना बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। तो हम 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे, जो 90 डिग्री होगा वो ठीक बीच में होगा ना। तो हम यहाँ से लेंगे इसको, यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे जहाँ पे कट लगा है, और यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क हमने यहाँ पे बना दिया। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक आर्क बनाएंगे, ये हम मैंने आर्क यहाँ पे भी बना दिया। अब यहाँ से हम इसको स्केल की हेल्प से जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, ये हमारा पूरा एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये थोड़े जो कट हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, पर आपके उसमें एग्जैक्ट आएंगे।
ये तो माउस की वजह से हिलता भी रहता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, बट बनेगा आपका सीधा ही कि यहाँ से भी एक 60 डिग्री का कट लगाओगे, उतना ही यहाँ से भी लगाना है, फिर यहाँ से भी एक कट, फिर यहाँ पे रख के एक कट, जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ये जो एंगल हमारा बन के आ गया, ये हमारा 90 डिग्री का बन के आ गया। अब जो ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, एल हमने निकाला था, तो एल कितना आया था, 75 सेंटीमीटर का। तो हमने ये यहाँ से क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे, यहाँ पे फिर से वही लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हमने लाइन यहाँ पे बना दिया, आर्क बना दिया। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी पहले 90 डिग्री का बनाना है। ये आर्क यहाँ पे बनाएंगे हम, इसको इस तरह से यहाँ पे कट करना है। ये हमारा 60 का बन गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हम इसको लेंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, ये आर्क हमने यहाँ पे एक बना दिया, ठीक है। इस आर्क को बनाने के बाद हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको रख के एक आर्क यहाँ पे भी कट लगाना है। ये इधर 60, ये 60 पे आ गया, सॉरी, ये एंगल बड़ा है, ये कट यहाँ पे आया। इसको यहाँ से लेंगे, ये कंपास यहाँ रख के यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कट करेंगे जी। जैसे ही यहाँ पे कट हो जाता है, तो आप फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। आपने इस तरीके से जोड़ दिया डॉटेड लाइन में, ये हमने बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, 75 डिग्री चाहिए। तो ये हमारा जो है 60 डिग्री का है, ये हमारा 60 डिग्री का है, ये हमारा 60 डिग्री का है, ये जो लाइन है हमारी 90 डिग्री की है। तो हमें 75 डिग्री चाहिए, तो ये 60 है, ये 90 है, तो इन दोनों के बीच में होगा हमारा क्या, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में एक आर्क लगाना है और वो हमारा 75 डिग्री का आएगा। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, यहाँ पे इसको पुट करेंगे और एक छोटा सा आर्क यहाँ पे भी लगा देंगे। इस तरीके से हमने आर्क लगा दिया, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ 90 पे रखेंगे। 90 पे रखने के बाद आप इसको यहाँ पे, जहाँ पे भी ये कट रहा है, ये हमने यहाँ पे आर्क लगा दिया। तो जहाँ पे ये कटा, ये यहाँ पे कट रहा है, तो हम इस लाइन को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा एंगल बन गया, ये हमारा एंगल कौन सा बना, 75 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल बना, ये बन गया 75 डिग्री का। अब जो हमें बनाना है वो कौन सा बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पे ये जो यहाँ पे आया है। अब सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे कि हमको ये जो एल है, पी एल तो हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, अब हमें एल ए बनाना है। तो जो एल ए है वो है कितना, 6.5 सेंटीमीटर का। तो 6.5 सेंटीमीटर कहाँ तक जा रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये हमारा 6 है, ये 6.5 सेंटीमीटर यहाँ तक है। तो ये जो लाइन है इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और ये लाइन
यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा, ये हमने कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आया है ए, तो हमने पी भी बना लिया, एल भी बना लिया। पी हमको 90 डिग्री दे रखा था, एल भी हमें 75 डिग्री हमने खुद निकाला था यहाँ पे जो एक्स है। अब ए भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब ए जो है 110 डिग्री है, और जैसे कि मैंने बताया 105 से ऊपर जितने भी आपके एंगल्स आते हैं वो आपके सिलेबस में कंपस के नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इसको प्रोटेक्टर के या डी के हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये रखेंगे ए पे, यहाँ पे हमने रख दिया ए पे, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे 110 डिग्री कहाँ पे है, तो 110 डिग्री ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया, और फिर हम इसको यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट यहाँ पे है। अब फिर इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम वही स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसको यहाँ से इस तरीके से जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पी वाला है ये अभी पूरा बन नहीं रहा है, तो इसको भी यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब जो हमारा ये आया है, ये आया है एन, तो हमारे पास सारे के सारे आ गए पी एल ए और एन, और एन हमें दे रखा था 85 डिग्री, और ए हमने 110 डिग्री किसके हेल्प से बनाया, हमने बनाया डी की हेल्प से। तो इस तरीके का आपका एक ये एंगल बन गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ये एक लाइन खींची, लाइन सेगमेंट बनाया पी और एल जो कि 4 सेंटीमीटर का है। फिर हमने कंपस लिया, उस कंपस से हमने एक आर्क लगाया, आप छोटा भी लगा सकते हो, ये इसमें बड़ा बना है बट आप छोटा लगाना। आपने छोटा बनाया तो एक आर्क यहाँ उसी एंगल को लेके, उसको कम ज़्यादा नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लगाएंगे, ये 60 का होगा। फिर यहाँ से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ये भी 60 का होगा। फिर यहाँ पे आप आर्क यहाँ पे रखेंगे, उससे एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाले 60 में लग के आप यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे वो यहाँ पे। तो ये हमारा जो कट यहाँ पे आएगा, तो ये कट जो हमारा है 90 डिग्री का है, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी करना है, पहले 90 डिग्री का बनाना है। क्यों, क्योंकि ये 75 डिग्री का है, तो 90 तो ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 75 इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो हमने क्या करना है, यही वही करना है, यहाँ पे पॉइंट रखना है और एक आर्क लगाना है, यहाँ पे पॉइंट रखना है एक आर्क लगाना है, तो ये 75 डिग्री का आएगा एंगल। हम जब इसको जोड़ देंगे तो ये 75 डिग्री यहाँ पे बन गया। जैसे ही बनता है तो यहाँ पे हम फिर इसको नापेंगे कि ये कितने लाइन लेंथ का है, तो हमने नापा था तो ये 6.5 सेंटीमीटर का था, तो हमने यहाँ पे आर्क लगाया तो ये 6.5 सेंटीमीटर ये हमारा ए यहाँ पे आ गया है। और यहाँ हमने फिर 110 डिग्री का एक एंगल बनाया डी की हेल्प से, फिर डी की हेल्प से फिर हमने इसको आगे एक्सटेंड किया और इन दोनों को जोड़ दिया। अब अगर आपने ये सही बनाया है, ये भी सही बनाया है, तो ये आपने डी की हेल्प से बनाया है तो ये तो बन ही जाएगा। अब बचा है ये 85 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली सही ही आएगा, ठीक है, अगर आपने बाकी सारे एंगल सही बनाए होंगे तो। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, करते हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू।